खबर आजमगढ़ से है, जहाँ दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के उलेमा काउंसिल के प्रत्याशी हुजैफा अमीर रसादी ने जनसंपर्क किया है। दीदारगंज विधानसभा रहे विधायक के ऊपर तंज कसा। जानकारी के अनुसार यूडीए से उलेमा काउंसिल का गठबंधन हुआ है और सभी पार्टियां आड़े हाथ लिए हैं। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि दीदारगंज में अभी भी विकास के नाम पर केवल खिलवाड़ हुआ है, ना यहाँ सड़कें दुरुस्त हैं, तमाम खामियां ही खामियां उनके सामने नजर आई। उन्होंने कहा कि युवा दीदारगंज की तस्वीर बदलने को तैयार है। जो धर्म में बांटा जा रहा है, धर्म से ऊपर उठकर लड़ाई की जाएगी, और कहा कि जो मुस्लिम नेताओं को पीछे छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी आगे किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। दीदारगंज विधानसभा से उलेमा काउंसिल से प्रत्याशी बनाए गए और यहाँ दीदारगंज विधानसभा में भादो गांव में जनसंपर्क अभियान में चले हैं, जनसंपर्क आप साध रहे हैं, इसके विषय में बताने की कृपा करूंगा। और क्या विषय है, विषय क्या है? जनता की आवाज पे, जनता की जिज्ञासा पे, जनता के अनुरोध पे चुनाव लड़ने आए हैं और सबसे युवा प्रत्याशी हैं और एक बड़ी वर्ल्ड फेमस नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने नेतृत्व किया है। कई सालों के बाद आजमगढ़ की सरजमीन से निकला हुआ एक बच्चा, एक बेटा, एक लाल वहाँ पर 32,000 छात्रों का नेतृत्व किया। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम लोगों ने अलीगढ़ के अंदर आजमगढ़ के मान को बढ़ाया, ज़िले के सम्मान को बढ़ाया, और अलीगढ़ में नहीं पूरे देश की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आजमगढ़ के मान को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के नौजवान कह रहे हैं, और उन्हीं के उस पर हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हम लोग इस बार दीदारगंज में बदलाव करेंगे। बहुत पिछड़ा है दीदारगंज, बहुत काम करना है यहाँ पर, रोडों का बहुत खस्ता हाल है, बहुत बुरी हाल है। मैं जो आज विलम्ब हुआ यहाँ पहुँचने में प्रोग्राम में अपने, इसीलिए कि पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, बीचों में पानी भरा हुआ है, वो देखेंगे तो लगेगा कि आप गढ़ाई में चल रहे हैं। और जनता ने ये मूड बना लिया है, खास करके हमारे युवाओं ने ये मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव करेंगे। जो लोग पिछले दौर में विधायक रहे, 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये जनता कह रही कि गांव में एक इंटरलॉकिंग नहीं करवाई, एक ईंट नहीं लगवाई, और 5 साल गूंगे बन करके बैठे रहे। तो जनता बदलाव चाहती है, युवाओं को मौका चाहती है, पूरे देश की राजनीति बदल रही है। जिस तरीके से युवा निकल करके आ रहे हैं, उनको ये पता है कि नई वो रहेगी, नई युवा पीढ़ी रहेगी तो वो हमारे लिए काम करेगी, बेबाकी से हमारे लड़ेगी, हमारे साथ अन्याय होगा तो साथ देगी। और ये तक कहां तक सफलता आपको प्राप्त हो सकती? नहीं, बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से लोगों का प्यार है। मेरा टाइम यहां 12 बजे पहुंचने का था और मैं यहां पर पहुंचा हूं 4 बजे तकरीबन, 4 घंटा मैं लेट हो गया। उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी लोगों से, मगर उसके बाद भी 4 घंटा देर होने के बाद भी जिस तरीके से नौजवानों का हमारे यहाँ प्यार, आप देख लीजिए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े यहाँ मौजूद हैं, ये उस इस बात को बताता है कि जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव करेंगे और युवाओं को मौका देंगे। और हमने पूरे मुल्क में घूम घूम कर जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसकी आवाज़ बने, उसका साथ दिया। हमने कभी धर्म, जात, मजहब की राजनीति नहीं की, हमने हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात की, हमने युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों की बात की, हमने शिक्षा की बात की, हमने रोजगार की बात की, हमने इस तरह की तमाम बातें की, हमने अच्छे अस्पताल की बात की जो लोगों की बेसिक नीड है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। धर्म के नाम पे राजनीति करके आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी आप देखिए कल जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर हो रहा है, पिछले 2 महीने से जो हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है वहां पे, हिजाब के नाम पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है पूरे मुल्क में, उडुपी के अंदर कर्नाटक से जहां से शुरुआत हुई, आप सोचिए कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का संविधान कहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हर धर्म के लोगों को अपने धर्म अनुसार धार्मिक प्रतिज्ञाओं को, धार्मिक एक्टिविटीज को अदा करने की पूरी आज़ादी है। हम स्कूल पढ़ते थे, आप सोचिए कि शिक्षा का मंदिर जो होता है, जो एक एजुकेशनल कॉलेज जो होता है, वहाँ पर छात्र एजुकेशन के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, वहाँ कोई धर्म का बंटवारा नहीं होता, वहाँ से लोगों की शुरुआत होती है। अगर वहाँ पर आप धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, हम लोग स्कूल लाइफ में जब थे, तो हमारे साथ एक बेंच पे एक टिफिन में हम तमाम साथी खाना खाते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और बहुत से साथी उसमें टीका लगा के आते थे, बहुत से साथी उसमें चोटी रख के आते थे, बहुत से साथी हाथ में धागा बांध के आते थे। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोग साथ में एक टिफिन में खाना खाए। आपका किस तरफ
किस तरफ मुल्क को लेके जा रहा है। मैं आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए जनता से कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। ये धर्म का जहर घोल करके, लोगों को आपस में लड़ा करके ये सिर्फ राज करना चाहते हैं, मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। पूरे मुल्क की सारी इंडस्ट्रीज को उठा करके बेच दिया, सारे इंस्टीट्यूशन को बेच दिया, बचा क्या हमारे पास? ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों का जेब भरने का काम किया जो लोग इनको फंड करते हैं। जनता के लिए कौन सा काम किया मुझको बताइए आप इन 5 सालों में? पिछले अपने मैनिफेस्टो में कोई वादा पूरा किया इन्होंने? एक वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आया हूँ। जिस तरीके से हमारी वहाँ बहनों ने उन जालिमों का डट करके मुकाबला किया, उन जालिमों के खिलाफ बोली, डटी, लड़ी रही, जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, आप सोचिए कि कॉलेज के अंदर इस तरह के फैलाने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? अब तक कोई और अगर रहा होता उनकी जगह, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ का रहा होता, तब तक उस पर NSA और UAPA पता नहीं क्या क्या लगा दिया गया होता। तो मैं यही कह रहा हूँ युवाओं से अपने कि हर चीज़ से ऊपर उठ करके नौजवानों का साथ दीजिए, मजबूत कीजिए। और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर और दीदारगंज के अंदर बदलाव लाएंगे और एक मजबूत आवाज़ विधानसभा में पहुंचेगी जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और हमारी माँ बहनों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगी। और उसके साथ साथ वो सेकुलर पार्टियाँ जिन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे लोगों के साथ, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, अन्याय किया है, उनको भी जनता जवाब देने के मूड में है। उनको हमसे वोट चाहिए, हमसे नोट चाहिए, मगर हमको हिस्सेदारी नहीं देंगे। आप सोचें कि उन्होंने सबको दिया, राजभर जी को दिया, चौहान जी को दिया, पटेल जी को दिया, सबको दिया, मगर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 20% की आबादी वाले लोगों को हिस्सा नहीं दिया। उससे भी जनता में नाराज़गी है। सामाजिक न्याय की बात होती है, सबकी हिस्सेदारी की बात होती है, तो ये कौन सी हिस्सेदारी है, ये कौन सा समाजवाद है? उससे भी जनता का मुंह भंग है। जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को किनारे लगाया है, उससे लोगों में बड़ा आक्रोश है, बड़ी नाराज़गी है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा। और हम लोग जो हर समाज की बात करते हैं, हमने कभी धर्म की बात नहीं की, हमने स्टूडेंट को स्टूडेंट की नज़र से देखा, हमने छात्रों को छात्रों की नज़र से देखा। अगर हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय से चुनाव जीत करके आए, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर अन्याय हुआ वहाँ भी हम पहुँचे, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे जब वहाँ के पिछड़े छात्रों ने, दलित छात्रों ने जब केंद्र की सरकार को उनकी हिटलर शाही के खिलाफ काले झंडे दिखाए, जब उनके ऊपर NSA लगे मुकदमा करके जेल डालने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अलीगढ़ के अंदर आंदोलन करके उनका साथ दिया और उनके समर्थन में लखनऊ भी पहुंचे BBAU में, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, हमारे हर समाज के जो नेता थे वहाँ पे छात्र संघ के, उन पर जब पुलिसिया दमन हुआ, तो 500-700 किलोमीटर चल करके इलाहाबाद पहुँच करके भी उनका साथ दिया हमने। शिबली कॉलेज के अंदर जब अन्याय हुआ, DAV दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर अन्याय हुआ, वहाँ भी पहुँच करके हमने छात्रों का साथ दिया। तो हर वर्ग के, हर समाज के छात्र हमारे साथ हैं और पूरे देश के जितने विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, हर जगह से समर्थन आ रहा है बकौल लोगों के कि दीदारगंज विधानसभा इस वक्त पूर्वांचल ही की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हॉटेस्ट सीट बन चुकी है। हर यूनिवर्सिटीज़ में इसकी चर्चाएं हो रही हैं और जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन है, उत्साह है, जोश है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस बार बदलाव करेंगे। आप जनता को देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। जनता को दिखाओ, जनता को दिखाओ।